असलम नाज़रीन, वेलकम आपका हमारे चैनल में। तो आज इस वीडियो में आप दोस्तों को एक इन्फॉर्मेशन देंगे कि अगर आपका स्किल का अकाउंट है और आप विड्रॉल लेना चाहते हैं अपने मोबाइल वॉलेट्स में, जैसे कि जैज़ कैश हो गया, जैज़ कैश का ऑप्शन देती है स्किल वाले जो है, तो डायरेक्टली आप विड्रॉल कर सकते हैं 0.5 USD दे के फी चार्जेस जो हैं। तो लेकिन इसमें भी कुछ मसला आ रहा है, तो उसके बारे में आपको गाइड करेंगे कि क्या मसला है और क्यों नहीं विड्रॉल हो रहा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आप चेक कर सकते हैं, विड्रॉल मैंने क्लिक किया हुआ है और यहाँ पे चार ऑप्शन बल्कि शो हो रहे हैं, नेटलर, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल वॉलेट। तो वो अगर आप बैंक अकाउंट में अपने लेना चाहते हैं, जो अमाउंट है रिसीव करना चाहते हैं, विड्रॉल लेना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट नहीं बताएगी, जितनी भी आप चाहें ले सकते हैं। फीस के लिए $6.78 USD है, तो ये आपको पे करना पड़ेगी। तो डायरेक्टली आप यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक दिन के अंदर आपका जो बैलेंस है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं अपने कार्ड के ज़रिए रिसीव करना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे वीज़ा कार्ड देना पड़ेगा। यहाँ पे वो जैसे कि बता रहे हैं, यू कैन विड्रॉल मनी ओनली टू वीज़ा कार्ड, तो ये सिर्फ वीज़ा कार्ड में आप ले सकते हैं अमाउंट जो है, तो इसमें भी आपको चार्जेस कम पड़ते हैं। तो सबसे जो बेस्ट आइडिया है ये तो यूज़ करने का मैं नहीं दूँगा ऑप्शन, आपको आइडिया दूँगा। तो सबसे बेहतरीन चीज़ पाकिस्तान में जो है वो ये है मोबाइल वॉलेट। तो इसमें 0.5 USD आपको चार्जेस जाते हैं, लेकिन इसमें जो मेन प्रॉब्लम है, अगर तो आपकी अमाउंट रिसीव हुई है डेबिट कार्ड से जो कि मास्टर कार्ड है, तो उसके साथ आप इसे रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने डेबिट कार्ड से ऐड करके मास्टर कार्ड जो है उसके नज़रिए से इसमें ऐड करके चेक किया है बैलेंस। तो यहाँ पे आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, 6 USD हैं। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे विड्रॉ टू जैज़ कैश, तो ये बता रहे हैं कि योर बैलेंस अवेलेबल बैलेंस इंक्लूड 6 USD डिपॉजिटेड विद मास्टर कार्ड विच कैंट बी सेंड टू दिस स्किल यूज़र। ठीक है, यानी कि स्किल में आप ना तो जैज़ कैश में सेंड कर पाएंगे अगर आपका बैलेंस जो है मास्टर कार्ड के साथ ऐड हुआ है, और ना ही वीज़ा कार्ड में आप ऐड कर पाएंगे। तो बल्कि किसी और को भी अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं या किसी और ने आपको ट्रांसफ़र किया मास्टर कार्ड के साथ, तो वो बैलेंस जो है जैज़ कैश या मोबाइल वॉलेट के ज़रिए विड्रॉ नहीं हो सकेगा। तो ये मसला चल रहा है आजकल स्क्रीन में, तो इस वजह से ही जो है यहाँ पे लिमिट जो है बिल्कुल शो नहीं हो रही, हालांकि 6 USD यहाँ पे अवेलेबल है मेरे, लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, या तो यहाँ पे देखें लिमिट बिल्कुल रेड में आ जाती है, क्योंकि ऐड ही नहीं हो सकती, सेंड ही नहीं हो सकती, उन्होंने पहले ही बता दिया। तो ये इस वजह से है आपकी जो जैज़ कैश है वो काम नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर वीज़ा कार्ड है या वैसे किसी और सोर्स से आपको अमाउंट रिसीव हुई है, तो या आपने किसी और सोर्स से इसमें ऐड किया है, तो वो आप इजीली जैज़ कैश के ज़रिए रिसीव कर सकते हैं, बहुत ही लिमिट जो लिमिटेड फीस है उसको पे करके। तो उम्मीद है आप दोस्तों को ये समझ आ गई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।